पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। ये मोबाइल छीनने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। मैंने जब सबके सामने कहा था तो किसी ने यकीन नहीं किया था। अभी ये पालघर वाला फोटो सबको दिखाऊंगा ना तो सच्चाई सामने आ जाएगी तुम दोनों की। आइए ना, बैठकर बात करते हैं। आइए आइए, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन आप चिल्ला कर पूरे चौल वालों को इकट्ठा करें उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहूं? मैं ना वावड़ी गांव से हूं, आपको तो पता ही होगा। वहां मेरा एक चचेरा भाई रहता है, वीरेन से तलवाड़। जानते हैं ना वीरेन को? यहां पे चाल में भी एक दो बार आके बवाल करके गया है। उसकी मुझसे कभी नहीं बनती थी। एक बार गांव में उसने मुझे मारने के लिए 20 लोगों को भेजा। लठवट लेकर आए थे सब। मुझे ऊपर पहुंचाने का प्लानिंग था फुल, लेकिन फिर मेरा दिमाग गया और वो लाठी के दाव आज भी भूला नहीं हूं मैं। मुझे नहीं पता इस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है तेरा, लेकिन तूने जो किया है ना उससे इसके चरित्र पे दाग लगेगा जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो अब ना मैं तुझ पे छोड़ता हूं, तुझे ये फोटोज डिलीट करनी है या मैं अपने लाठी के दाव दिखाऊं तुझे। देख, इसे दादागिरी नहीं चलेगी यार। मैं पुलिस को बुला लूंगा। अब पुलिस तो वैसे भी आएगी मुझे गिरफ्तार करने, मेरे हाथों मार खा के तेरी मौत जो होगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो अकेला हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां रहूं या जेल में। तुम सोच लो डिलीट करने हैं कि नहीं करना है फोटो। नहीं करना ठीक है, फिर क्यों रिस्क लो। मैं वैसे भी तुझ पर भरोसा नहीं है, मुझे तुझे छोड़ना बेवकूफी होगी। जुगल, जुगल, इन्ने, इन्ने, क्या कर रहा है ये? जुगल, इसकी हरकतों ने नतराश करके रखा है मुझे। इसको खत्म करता हूं, इसलिए मामला ही खत्म। एक गाने बैकट का इन्हें पते नहीं, जुगल। हसमुख भाई, एक छोटे से बच्चे की जान बचाने के लिए गए थे हम लोग पालघर एक डॉक्टर से बात करने। लाखों मिन्नतें करने के बाद उन्होंने हाँ बोला ऑपरेशन करने के लिए, तो हम लोग खुशी से पागल हो गए और उसी खुशी में अपने दोस्त के गले लगी थी मैं। यही सच है बस और कुछ नहीं। और इस सच्चाई को आप चाल वालों के सामने अलग रूप में पेश करेंगे, ये तो बहुत गलत बात है हसमुख भाई। अश्विन और चिराग जब आपकी ये कहानी सुनेंगे तो क्या बीतेगी उन पर, कितना बुरा लगेगा उन्हें। अपनी माँ के चरित्र पर दाग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तू क्या गिड़गिड़ा रही है इसके सामने? ऐसे लोग ना यही भाषा समझते हैं। अगर तुझे तेरी जान प्यारी है ना हसमुख, तो अभी के अभी वो सारे फोटो डिलीट कर, डिलीट कर, फटाफट डिलीट कर। ऐसी गंदी हरकत करने के बारे में सोचा भी ना तुमने तो वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा वार करूंगा। चल निकल, 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 चल निकल। इतना गुस्सा, अरे और तूने क्या कहा हसमुख भाई से? क्यों बोला ऐसा कि तू दुनिया में अकेला है? यहां रह या जेल में कोई फर्क नहीं पड़ता, अकेला है तू, ये बंदरिया तेरी कोई नहीं लगती। एक बात ना कान खोलकर सुन ले, तू तू अकेला नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। हमारी दोस्ती कायम की है जुगल, बन गए हैं हम इस दोस्ती के बंधन में हमेशा के लिए, फॉर एवर।
पंथरिया इम्पॉसिबल। अरे काहे का इम्पॉसिबल, डरा दिया तुमने मुझे। चल पेगा कड़क काठियावाड़ी डबल चक्कर। अरे वाह सावरी, काफी जल्दी प्रोग्रेस कर लिया तुमने, इतने जल्दी हाथ बैठ गया मशीन पे। हाँ वो कई बार पुष्पा आंटी को चलाते हुए देखा था और एक दो बार तो मैंने उनकी हेल्प भी की थी तो अब भी नाराज हो पुष्पा जी की फैमिली से? विक्रम मैं सोच रही थी कि बैग के अंदर ये प्लेन कपड़ा और उसके ऊपर ये ऐसे कुछ चिंदी लगाए तो कैसा लगेगा? Good. I think it's a good color combination. Try करके देखो। You need this? नहीं, बाद में। Okay. Rashi, come in. सर हम ये ब्रोशर फाइनलाइज कर ले, जैसे आपने बोला था मैंने लोकल रेसिडेंट्स के काउंसलिंग के लिए डिटेल्स इकट्ठा की है और फिर राशि लिसन, एक काम करना, ये सारे डिटेल्स तुम अपने पास सेव करके रखना, हम बाद में डिस्कस करते हैं इसके बारे में, अभी फिलहाल मैं चिराग और प्रार्थना अकेले कैसे रहेंगे रे? बच्चे हैं दोनों, वो पहले कभी अकेले रहे नहीं। तो अब रहेंगे, ऐसे ही तो सीखेंगे, पर रहेंगे तो यहीं कहीं आसपास ही रहेंगे ना, जब दिल करे जाके मिल लेना, इतना टेंशन क्यों ले रही है? कैसे ना लूं टेंशन, मैं नहीं रह सकती उनके बिना। आज एक बेटा जा रहा है, कल दूसरा जाएगा, बचेगा कौन? राशि और मैं? राशि भी हमेशा थोड़ी रहने वाली है पुष्पा, मतलब शादी तो बहुत बाद की बात है, लेकिन हो सकता है पढ़ाई करने के लिए बाहर जाए। थैंक यू वेरी मच, सांत्वना देने के बजाय डराने के लिए। अरे डरा नहीं रहा हूं पुष्पा, तुझे सच्चाई का एहसास करवा रहा हूं। देख पुष्पा, आखिर बच्चे हैं, आज नहीं तो कल अपनी उड़ान तो भरेंगे ना। एक चिड़िया भी अपने बच्चों को खुद घोंसले से बाहर धकेलती है ताकि वो उड़ना सीखे, यही प्रकृति का नियम है। तुम पुरुषों के लिए कहना बहुत आसान होता है। नहीं पुष्पा, माँ हो या बाप, अपने बच्चों से दूर होना दोनों के लिए दुखद ही होता है। शुभ्रा के साथ अगर वो हादसा नहीं हुआ होता तो आज मेरा बच्चा भी राशि जितना होता। गोलू, ये क्या कर रहा है तू? कितनी जोर से धक्का दे रहा है इसे? सोरा बच्ची है, गिर सकती थी, चौड़ा सकती थी उसे। आज के बाद उसे झूला नहीं झुलाएगा, कितना रिस्की है ये झूला। क्या हुआ आशु, क्यों डांट रहे हो गोलू को? पापा, कर भैया,
अश्विन बच्चे हैं, झूला झूल रहे थे, इसमें इतना क्या गुस्सा करने? क्यों फिजूल कर इसलिए नहीं काका? हादसा कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। किसे पता था कि एक पल में मेरा भास्कर? काका अब गोलू को लेकर जाइए, मैं देखती हूँ। गोलू बाद में खेलेंगे, काका के साथ जाओ। आजा बेटा। स्मरा एक तो तुम ये हर बात पर रोना बंद करो। बच्चे से ऐसे बात मत करो अश्विन। सौरभ बेटा अंदर जाओ। जाओ क्या हो गया तुम्हें? मैं तो बस इसकी सेफ्टी की बात कर रहा था ना। उसे सेफ रखने के चक्कर में उसी के लिए डेंजर बन गए हो तुम। हाँ हमने भास्कर को खोया पर वो एक हादसा था, उसके कारण हम सौरभी और बाकी सबकी जिंदगी जहन्नुम नहीं बना सकते। अच्छा तो मैंने तुम सबकी जिंदगी जहन्नुम बना दी है? हाँ खुद डर कर और बाकी सबको बात बात पे डरा कर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे हाइपर अलर्ट में नहीं जी सकते जिंदगी। मैं सिर्फ अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ दीप्ति, बस। और मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी तुमसे। तुमने देखा नहीं वो कैसे डर रही थी तुमसे? ऑलरेडी एक बेड वेटिंग का किस्सा हो चुका है अश्विन, अब और नहीं। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।